खबर है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से। चितरंगी थाना इलाके में प्रतिबंधित इलाके से अवैध रेत परिवहन करते हुए ट्रिप पर वाहन को पुलिस ने पकड़कर जब्त किया है। पुलिस को सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार चितरंगी थाना इलाके के चिंगी सोन नदी घाट से रेत माफियाओं द्वारा चोरी छिपे अवैध रेत का कारोबार किया जा रहा है, जिसके उपरांत वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक डीएन राज के द्वारा एक टीम गठित कर उप निरीक्षक विनय शुक्ला के साथ पुलिस टीम को तत्काल प्रतिबंधित इलाके के सोन नदी घाट चिकनी के लिए रवाना किया गया, जहां से अवैध रेत का उत्खनन कर रहे परिवहन बिना नंबर का ट्रिपर वाहन को पुलिस टीम द्वारा पकड़कर थाना चितरंगी में सुरक्षापूर्ण खड़ा कराया गया है। ट्रैक्टर वाहन मालिक विदित सिंह निवासी चितरंगी की बिना नंबर की लाल नीले रंग की ट्रिपर वाहन को जब्त कर अपराध क्रमांक 435/21 धारा 379 414 और अब 4/21 खान खनिज के साथ वन जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 27, 29, 39D, 51 और वन अधिनियम की धारा 41, 42, 25, 52 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।